नमस्कार, मैं अरीबा आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन हुई थी अमृतसर की स्थापना। चौथे सिख गुरु रामदास ने 24 अक्टूबर 1557 को अमृतसर शहर की स्थापना की थी। इस शहर का नाम अमृत सरोवर के नाम पर रखा गया था। अमृतसर पंजाब का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र शहर माना जाता है। अमृतसर का इतिहास गौरवमय रहा है। यह अपनी संस्कृति और लड़ाइयों के लिए प्रसिद्ध रहा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा नरसंहार अमृतसर के जलियांवाला बाग में ही हुआ था। अफगान और मुगल शासकों ने इस पर अनेक आक्रमण किए और इसको तबाह कर दिया था, लेकिन सिखों ने अपने दृढ़ संकल्प से दोबारा इसको बसाया। अमृतसर में समय के साथ काफी बदलाव आए हैं, लेकिन आज भी अमृतसर की गरिमा बरकरार है। आज के दिन की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अंतरराष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। ये देश चाहते थे कि भविष्य में फिर कभी द्वितीय विश्व युद्ध की तरह के युद्ध ना हो। संयुक्त राष्ट्र की संरचना में सुरक्षा परिषद में शामिल अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत अहम देश थे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य 193 देश हैं। आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग हैं। आज के दिन शुरू हुई थी देश की पहली मेट्रो रेल सेवा। देश में 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में सबसे पहली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत हुई थी। कोलकाता मेट्रो कॉरपोरेशन ने शहर के अलग अलग हिस्सों में मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। कोलकाता में 97 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है, जहां हर दिन 5 लाख से ज्यादा यात्री सफर करते हैं। कोलकाता मेट्रो भूमिगत रेल प्रणाली है, इसे मंडलीय रेलवे का स्तर प्रदान किया गया है। कोलकाता के बाद दिल्ली में 2002 में मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई थी। स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मी सहगल का आज के दिन हुआ था जन्म। स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेविका डॉक्टर लक्ष्मी सहगल का जन्म 24 अक्टूबर 1914 को परंपरावादी तमिल परिवार में हुआ था। उन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की शिक्षा ली और इसके बाद सिंगापुर चली गईं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जापानी सेना ने सिंगापुर में ब्रिटिश सेना पर हमला किया, तो लक्ष्मी सहगल सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल हो गई थी। देश की आजादी के बाद वे अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की संस्थापक सदस्यों में शामिल रही। भारत सरकार ने उन्हें 1998 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।